दोस्तों, क्या आपने कभी अंजीर बनता देखा है? और अंजीर में कौन सा जानवर का मीट मिलाया जाता है जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, और किस जगह बनता है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है फार्मिंग। इस प्रोसेस में अंजीर यानी अंजीर के पेड़ में से अंजीर को तोड़ लिया जाता है। इसे सबसे मीठा फल भी कहा जाता है। अंजीर के पेड़ की एक और खासियत होती है कि जब यह फल देना शुरू करता है तो उसके बाद वो करीब अगले 50 सालों तक फल देता रहता है। और ये जो फल होता है यह गर्मियों के मौसम में पूरी तरीके से पक जाता है और ये ग्रीन से येलो कलर का हो जाता है, जिसके बाद किसान द्वारा इसे तोड़ लिया जाता है। और तोड़ने के बाद इन फलों को साफ पानी में डालकर कुछ देर के लिए रखा जाता है। पानी में डालने से पहले इन्हें चेक भी किया जाता है, कहीं इनमें कीड़े तो नहीं है। आमतौर पर इन फल में ज्यादा कीड़े नहीं लगते और इन्हें पानी में रखने के दो कारण होते हैं। सबसे पहला कि ये फल पूरी तरीके से साफ हो जाता है, और दूसरा कि इससे आगे आने वाली है ड्राइंग प्रोसेस में मदद मिलती है। इसके बाद आता है कटिंग प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में अंजीर के फल के डंठल वाले हिस्से को काट लिया जाता है और फिर इन्हें फिर से धो लिया जाता है। टुकड़े करते वक्त इनके बीच में होल भी किया जाता है, इसीलिए अंजीर के बीच में ये होल आते हैं। तो अब चलते हैं अंजीर की ड्राइंग प्रोसेस की तरफ। इसमें सबसे पहले अंजीर के कटे हुए टुकड़े को धूप में सुखाया जाता है। करीब 3 से 4 दिन तक धूप में सुखाने के बाद अंजीर सूखने लगता है, और जैसे जैसे ये सूखता है उसका साइज भी छोटा होने लगता है। अब तक यह अंजीर खाने लायक तैयार हो चुके हैं, लेकिन बाजार में इनकी बिक्री करने से पहले इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है और इन्हें एक केमिकल वाले पानी से धोया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसमें कोई बैक्टीरिया ना रह जाए और यह ज्यादा दिनों तक खराब भी ना हो। इसी के साथ इन केमिकल की वजह से इनकी जो चमकान होती है वो भी बनी रहती है, और इसे इन केमिकल वाले पानी से धोने के बाद एक बार फिर से नॉर्मल पानी से धोने के लिए भेजा जाता है ताकि इसमें जो केमिकल होता है वो निकल जाए। और फिर आता है आखिरी प्रोसेस, जिसमें इन्हें एक और बार फिर से ड्राई किया जाता है। क्योंकि केमिकल वाले पानी और नॉर्मल पानी से धोने की वजह से या फिर से गीले हो चुके होते हैं, इसलिए इन्हें गर्म हवा से ड्राई किया जाता है, और फिर होती है इनकी पैकेजिंग। अंजीर को पैकेट में पैक करने से पहले उसे माले की तरह धागे में पिरोया जाता है, जिसके बाद यह दिखने में कुछ ऐसा होता है। इस प्रोसेस में इसको एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लिया जाता है, और फिर इन्हें उनके वजन एंड क्वालिटी के हिसाब से इन्हें पैकेट में भर दिया जाता है। आमतौर पर पैकिंग के लिए प्लास्टिक के पैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर इन्हें मार्केट में सप्लायर के पास बेचने के लिए भेज दिया जाता है। वैसे तो उनके अंजीर मेकिंग प्रोसेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो अलग है। जैसे कि ये लोग अंजीर को कट नहीं करते, बल्कि उस जगह पर प्रेस किया जाता है। इस प्रोसेस के लिए पहले तो अंजीर को करीब 7-8 घंटे तक सुखाया जाता है, और फिर उसके बाद उन्हें कुछ इस तरीके से बर्तन के जरिए प्रेस किया जाता है। यानी कि इसमें एक अंजीर की रिंग पूरा का पूरा अंजीर ही होता है, इसमें कटिंग नहीं करते, और इसे पूरी तरीके से बस धूप में सुखाया जाता है। यानी कि ये पूरा प्रोसेस सन ड्राई होता है, और उसी के साथ इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसलिए कई लोगों का मानना है कि जो होममेड अंजीर होता है ये ज्यादा हेल्थी होता है। अंजीर में कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोरोजेनिक एसिड और रूटीन जैसे कई हेल्दी केमिकल्स होते हैं जो हमें तंदुरुस्त रखते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा अंजीर बनाने का पूरा प्रोसेस, हमें कमेंट करके जरूर बताना।